चलिए आज ले चलते हैं हम आपको मोह माया माँ के दर्शन करवाने। इस तरफ का नजारा, इस तरफ सूर्य पुत्री और दूसरी तरफ मोह माया। क्या सुंदर नजारा है मंदिर का। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं दरबार की ओर। चलिए ये जो जिस जगह समय ये मंदिर महामाया का बना हुआ है, इस जगह नाम है दारा नगरी। तो यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर था, काफ़ी देर पहले कहते हैं ये जम्मू शहर बसने से पहले यहाँ पर दारा नगरी का नाम था। जब मंदिर की कोई देख रेख नहीं रही कहते हैं पहले, जब यहाँ भूकंप हुआ है तो भूकंप से जो महामाया का मंदिर है वो गिर गया था। तो जब जम्मू शहर बसा तो राजा गुलाब सिंह का राज्य है, तो उनको सपने में मिला के मूर्ति बाहर पड़ी हुई, तो उनको शाया करने का हुक्म हुआ है। राजा जंगल में आया लेकिन उसको मूर्ति मिली नहीं है, किसी का शाया करनी है। तो दूसरे दिन माता ने दोबारा फिर उनको दिखावा दिया कि आपने शाया नहीं की। तो राजा कहता है कि मुझे पता नहीं किस जगह छाया करनी है। तो कहते हैं उसके अगले दिन जब गुलाब सिंह के साथ महामाया ने कन्या रूप में यहाँ आकर तो उनको मूर्ति बताई है। तो फिर गुलाब सिंह ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया था, एक देरी टाइप का मंदिर था। यहाँ तो जंगल झाड़ था, लोग कम ही आते थे उस समय, राजा महाराजाओं के जहाँ बड़े बड़े पुराने भक्त महामाया के आते थे। लेकिन 1986 में जहाँ जम्मू में बड़ी बारिश हुई है तो वो पहाड़ी पर बना हुआ कच्चा मंदिर दोबारा बैठ गया है। जब मंदिर जब बैठ गया है तो उसके बाद फिर साल डेढ़ साल के बाद मंदिर का दोबारा हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन कराई है, दोबारा मंदिर बनवाया है। उसी दौरान जब मंदिर गिरा है तो जगमोहन जी भी यहाँ आए, लेकिन उनके सलाहकारों ने उनको पहले नहीं आने दिया, लेकिन दूसरे वो भी रोक। जिस तरह आपने देखा पंडित जी की बात सुनी कि यहाँ पे प्रशासन की ओर से कोई भी कार्य नहीं हुआ है, यहाँ पे रोड की बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। जिस तरह पंडित जी ने बताया कि इस बार यहाँ पे सफाई भी नहीं हुई, प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई पूछने के लिए नहीं आया, उसी तरह आप लोग जानते हैं कि मोह माया माँ का नाम बहुत है। मोह माया मंदिर जो है एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है जम्मू में। प्रशासन की ओर से इस तरह की उम्मीद तो की नहीं जा सकती थी नवरात्रों के दिनों में खास करके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आयुषी बल्दोत्रा, JK पेजेस से धन्यवाद।